आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ In this question, we have given two equal charges Q are kept fixed at minus a and plus a along the x-axis. A particle of mass small m and charge Q by two is brought to the origin and given a small displacement along the x-axis. Then, option one, the particle executes oscillatory motion. सेकंड कह रहा है द पार्टिकल रिमेन्स स्टेशनरी थर्ड कह रहा है द पार्टिकल एक्सक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस फोर्थ कह रहा है द पार्टिकल एक्सक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है कितना दोनों सेम है कहाँ पे रखे गए माइनस ए पे रखा गया एक हमारे पास एक्स इक्वल एक टू प्लस ए पे रखा गया है अच्छा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ओरिजिन पे एक मैं चार्ज लाता हूँ क्यू बाई टू जिसको थोड़ा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस देता हूँ तो उस चार्ज पार्टिकल के बारे में हमें बताना था तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस एक चार्ज रखा गया है क्यू इसी तरह से हमारे पास, देखो हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे है इसके कोऑर्डिनेट कितने जीरो मतलब एक्स इक्वल टू ए इस पे एक चार्ज रखा गया है क्यू दोनों सेम नेचर के हैं इनके बीच में कहीं ओरिजिन होगा जिसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे जीरो कॉमा जीरो ये हमारे पास ओरिजिन है इसपे चार्ज लाया रखा जाता है क्यू बाई टू अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो चार्ज है ओरिजिन पे रखा गया है इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस तो ठीक है इसको मैंने उठा करके अलोंग द एक्स एक्सिस लेके यहाँ पे चले गए और कितना डिस्प्लेस किया एक्स अब चार्ज यहां पे पहुंच चुका है चार्ज की न्यू लोकेशन यहाँ पे आ गई है तो पहले ओरिजिन पे था बाद में देखो इसको मैंने क्या किया एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस किया अलोंग द एक्स एक्सिस और चार्ज अब पहुंच चुका है यहाँ पे पहले इनिशली जब चार्ज अपने ओरिजिन पे था तो देखो पहले वाले चार्ज इसको मैं बोल देता पहला चार्ज है है ये हमारे पास दूसरा चार्ज है, या दूसरे पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी ए जब ये ओरिजिन पे था तो यहाँ से भी ये डिस्टेंस कितनी होगी ए होगी जब ओरिजिन पे था अब मैंने क्या किया इसको एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया तो पहले वाले चार्ज से चार्ज की न्यू लोकेशन यहाँ पे आ गई ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी देखो एक्स प्लस ए हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे देखूं चार्ज न्यू यहाँ पे पहुंच चुका है आफ्टर डिस्प्लेसिंग तो ये डिस्टेंस कितनी हो चुकी ए प्लस एक्स इसी तरह से हमारे पास चार्ज टू से ये चार्ज न्यू वाला जो सेंटर पे था एक्स डिस्प्लेसमेंट करने के बाद इसकी डिस्टेंस कितनी हो चुकी है ये वाली डिस्टेंस देखो ए माइनस एक्स हो चुका होगा पहले कितना था जब ओरिजिन पे था तो ए था अगर इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया तो ये डिस्टेंस कितनी हो चुकी हुई सेकेंड वाले चार्ज से ए माइनस एक्स अब आपको पता है अगर दो पॉजिटिव चार्ज है ये चार्ज कितना है पॉजिटिव तो इन पे क्या होगा रिपल्सिव फोर्स लगेगा ड्यू टू चार्ज वन तो रिपल्सिव फोर्स कितना होगा मान लेते इस डायरेक्शन पे लगा एफ वन किसकी वजह से इस चार्ज जो माइनस एक ओमा जीरो पे रखा गया है इसी तरह से एक चार्ज टू है जो एक ओमा जीरो पे रखा गया वो भी प्लस क्यू है तो यहाँ पे क्यू बाई टू पे एक रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाएगा और वो रिपल्सिव फोर्स कितना होगा पीछे की तरफ लगेगा देखो फोर्स कितना होगा हमारे पास एफ टू मान लेते हैं तो इस चार्ज पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहा है एक एफ ओन लग रहा है एक एफ टू लग रहा है तो नेट फोर्स मान लेते हैं इस क्यू बाई टू चार्ज पे लग रहा होगा एफ और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है एफ ओन माइनस एफ टू हो जाएगा मान लेते हैं अभी हमारा एफ ओन ग्रेटर देन एफ टू है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा एफ ओन माइनस एफ टू अब एफ ओन लिखिए दो चार्ज पार्टिकल होते हैं कुछ डिस्टेंस पे रखे रहते हैं तो बाय द लॉ उनके बीच में जो फोर्स लगता है ये हमारा एफ इक्वल्स टू क्या होता है के के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई क्या होता है स्क्वायर दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस अब अगर मैं F1 लिखूंगा तो एफ ओन क्या है सॉरी यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट मैं लिखूंगा एफ इक्वल टू एफ ऑन क्या था जो यहाँ पे माइनस ए कॉमा जीरो पे एक चार्ज रखा गया है और क्यू बाई टू चार्ज उसके बीच पे लगने वाला फोर्स था तो यहाँ पे के क्यू वन की वैल्यू कितनी है क्यू क्यू टू कितना हमारे पास देखो क्यू बाई टू और दोनों चार्ज के बीच की न्यू डिस्टेंस कितनी है ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर मैं फोर्स तब लिख रहा हूं जब चार्ज को ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस में डिस्प्लेस कर चुका हूं माइनस एफ टू कितना हो जाएगा हमारे देखो? K, ये चार्ज कितना है हमारे पास देखो क्यू और यहाँ पे जो ओरिजिन पे चार्ज रखा गया था जब एक्स डिस्प्लेस किया था तो अभी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड तो क्यू बाई टू है और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो चुकी है ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये आ गया हमारे पास नेट फोर्स अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा नेट फोर्स हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे देखो क्या कॉमन हो रहा होगा के क्यू इन टू क्यू बाई टू कॉमन हो जाएगा ब्रैकेट में हमारे पास देखो क्या बचेगा वन डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा माइनस यहाँ पे आ जाएगा वन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर अब इसको एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो जैसे ही मैं नीचे इसको एलसीएम लूंगा यहाँ पे हमारे पास के क्यू क्यू बाई टू एज इट इज रहेगा यहाँ पे एलसीएम कितना होगा ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये आ गया हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा ए प्लस एक्स से कैंसिल होगा यहाँ पे आएगा ए माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा A X का होल स्क्वायर ये आ गया हमारे पास एलसीएम लेके सॉल्व करोगे अब नीचे देखो हमारे पास क्या है ए प्लस बी यहाँ पे ए माइनस बी स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ देखो ए स्क्वायर थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ ये पूरा नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेकिन इसके यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ये पूरा टर्म ऊपर हमारे पास जब सॉल्व करोगे एलसीएम लेके इसको खोलोगे वैल्यू आती है माइनस फोर ए एक्स और बाहर हमारे पास देखो ऑलरेडी क्या है के क्यू इंटू क्यू बाई टू तो उस चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स इतना लग रहा होगा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं एक एजेंशन लेते हैं यहाँ पे एक्स होगा बी स्क्वायर नहीं आएगा डिस्प्लेस किया, एकस किया है तो यहाँ पे देखो एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि वो ए के कंपैरिजन में बहुत कम है तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा आफ्टर यहाँ पे जो एजेंसर लेने के बाद में के क्यू इन क्यू बाई टू यहाँ पे माइनस फोर ए अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे तो आप नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हो

क्यू इन टू क्यू बाई टू यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे देखो इस टू से अगर मैं फोर को कैंसिल करूँगा यहाँ पे टू आ जाएगा ऊपर क्या बचेगा हमारे, हमारे पास देखो टू एक्स और डिवाइडेड बाई यहाँ क्या बचा होगा ए क्यूब ठीक अब यहाँ पे अगर मैं देखू इस फोर्स को यहाँ पे देखो के क्यू क्यू बाई टू टू सब कॉन्स्टेंट है ए क्यूब भी कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स और यहाँ पे आगे नेगेटिव साइन है तो ये आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ ये टू से जब कैंसिल हुआ था यहाँ पे टू नहीं आएगा ठीक टू हमारा हट चुका होगा कोई फायदा नहीं है यहाँ पे तो हमें मैग्नीट्यूड देखना था सिर्फ हमें ये प्रूफ करना था फोर्स इज डिस्प्लेस कर देते हो तो उसपे जो फोर्स एक्ट करेगा उस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन पे होगा तो पार्टिकल क्या करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर चार्ज पार्टिकल इन पे रखा गया था ओरिजिन पे जीरो जीरो उस पे चार्ज कितना था क्यू बाई टू इसको मैंने अलॉन्ग द एक्स एक्सिस लेके

ये तो हो गया कि जो चार्ज है सेंटर पे रखा गया है, टू, इसका मास भी गिवन है। मीन पोजीशन से जब इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट करोगे तो इसपे जो फोर्स लगेगा अलोंग द मीन पोजिशन लगेगा और इसी फोर्स की वजह से क्या करेगा वापस अपनी मेन पोजिशन पे लौट आएगा और इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो ये चार्ज पार्टिकल कौन सा मोशन करेगा जो सेंटर पे होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन

दिया है तो एकस हार्मोनिक मोशन करेगा, वाई के अलोंग नहीं करेगा तो आंसर क्या आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर थ्री थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर